हाय दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों कैसे है से मेरा मतलब है क्या पढ़ाई आप प्रॉपर कर पा रहे हो सारी क्लासेस जो जरूरी है वो देख पा रहे हो कि नहीं आप बता दूं मैं कौन सी क्लासेस जरूरी है कितने कितने प्रकार के स्टूडेंट्स अपनी इस क्लास को देख सकते हैं पहला दोस्तों में से वो सारे बच्चे जो आई पीओ और एस पीओ है ना ये दोनों एग्जाम जो टारगेट कर रहे हैं वो तो देख ही सकते हैं इसके अलावा वो बच्चे जिनका एग्जाम 2024 में होगा वो बच्चे भी दोस्तों इस क्लास को देखिए आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और बेसिक से लेकर हम पूरा पढ़ लेंगे तेईस तारीख को एग्जाम है दोस्तों पहला आईबीपीएस पीओ का और आज तारीख है दोस्तों सात तो अपने पास जितने दिन बचेंगे हम हर दिन क्लास करेंगे हम शनिवार को भी क्लास करेंगे और संडे को भी क्लास करेंगे बस आप ध्यान रखिएगा डेली आपको शाम को पांच बजे आना है पहले बताओ सारे के सारे बच्चे यहां पर कितने ऐसे हैं जिनका एग्जाम दोस्तों अभी ये दोनों एग्जाम में एलिजिबल है और जो एलिजिबल नहीं है एक काम करते हैं दो चीजें लिखते हैं जो एलिजिबल है वो नंबर वन लिखिए और जो एलिजिबल नहीं है वो नंबर टू लिख दीजिए एक बार कमेंट में आप सब लोग लिख दीजिए बढ़िया से और एक अच्छी सी एनर्जी दिखा दीजिए कि जी सर हम बढ़िया एकदम रेडी हैं एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास पढ़ने के लिए ठीक है ना अब मैं आपको बताऊं सिर्फ अकेला ये वाली क्लास देखने से ही आपका IBPS PO और SBI PO की प्रैक्टिस हो जाएगी बात आप ध्यान रखिए लेकिन सिर्फ ये आप प्रैक्टिस अकेले प्रैक्टिस 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 करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि कई बार आपकी क्वेश्चन सही होंगे कई बार गलत होंगे प्रैक्टिस करने के साथ साथ जरूरी होता है दोस्तों अपनी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाना अपनी वोकैबुलरी नॉलेज बढ़ाना तो दोस्तों उसके लिए कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं डेली सुबह सुबह दोस्तों सात बजे मैं यहां दिखा देता हूं डेली सुबह सात बजे मैं कराता हूं दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल है ना आइए मैं आपको दिखा देता हूं उसके लिए क्या करेंगे आप लिखेंगे देखो अपने चैनल पे आते हैं हम लोग कहा, है, कहा है? आ, आगे है ना देखो मैं चैनल ओपन करता हूं हमने बैंकर्स में लिखा ठीक है देखो डेली सुबह सात बजे हम लोग सेशन करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का जैसे ये सेशन दोस्तों आज का किया है ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी सेशन में आपकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी और यकीन मानिए रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करोगे मॉर्निंग में और साथ में वो कैब इंप्रूव करोगे तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस ना ऑटोमेटिकली दस गुना ज्यादा हो जाएगी ये काम आपको करना है मुझे बताइए कितने लोग हैं यहां पर जो यहां जितने बच्चे देख रहे हैं जो डेली मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन में आते हैं डेली मेरे साथ पढ़ते हैं एक बार

जरूर देखेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और किन बच्चों को देखना है बड़े ध्यान से सुनिए मैंने अभी कमेंट में वन और टू लिखवाया था ना आप में सिर्फ वो बच्चे दोस्तों जिनका एग्जाम अपकमिंग में भी क्लर्क भी है जो आप ये आप लोग अप्रोच करेंगे साथ ही साथ का का असिस्टेंट एग्जाम या 2024 में कोई भी एग्जाम जो क्लरिकल लेवल का आएगा तो उसके लिए भी हाल ही में मैंने आईबीपीएस क्लर्क पढ़ा है ना पूरा तो आईबीपीएस क्लर्क की प्लेलिस्ट प्ले ये आपको सेशन नंबर वन टू थ्री फोर पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी ये पूरी की पूरी दोस्तों प्लेलिस्ट

क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा मुझे मालूम है है रिजल्ट में में यही आने वाला अब ये मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स लिखकर बता दो सभी लोग जितने बच्चे हैं एवरीवन ये मैंने दो से तीन चीजें बता दी ये जरूरी है आज ही बता रहा हूं अब मैं हर क्लास में नहीं बताऊंगा ताकि इस क्लास को देखने वाले जब भी, भी कोई बच्चा पहली बार क्लास देख रहा है सबको पता चल गया कि ठीक है पढ़ना कैसे अब हम दोस्तों इस क्लास में पढ़ेंगे और डेली के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू करने के साथ साथ आप सभी लोगों से मुझे एक एक वीडियो पर लाइक बटन पर प्रेस चाहिए ताकि मैं आपकी एनर्जी देख पाऊं जल्दी से एक बार लाइक बटन में प्रेस कर दो जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी एक बार लाइक बटन में प्रेस कर दो, दो दोस्तों और आप लोगों से एक काम और चाहिए मुझे एक एक शेयर कर दो अपने जिस टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों के साथ जुड़े हो जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों के साथ जुड़े हो एक बार सेशन को शेयर कर दो दोस्तों एवरी बच्चे देख रहे हैं आइए दोस्तों शुरू करते हैं शुरुआत में आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यह है क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का किसका एरर डिटेक्शन का आईबीपीएस पीओ में

मैं भी टाइमर वाला भी लगा देता हूँ ठीक है

इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए तो फेस में आईएनजी हो गया हो गया फेसिंग डिस्पाइट फेसिंग मेनी चैलेंजेस बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी ही हैव तो देख के पता चल गया ये तो सही है ही हैज होना चाहिए ही के साथ तो हैव कभी नहीं लगता हो गया ही हैज ही हैज प्रिजर्वड उसने प्रिजर्वेशन की है ही हैज उसने प्रिजर्व किया है और और वो कंटिन्यू क्या करता है टू परसू हिज ड्रीम्स लगातार वो परसू करता जा रहा है पर जीवर हो गया यार प्रजर्व दिमाग खराब हो गया पर जीवर है जिसका मतलब होता है लगातार किसी चीज में लगे रहना मैंने गलती से मेरे मुंह से प्रजर्व निकल गया पता नहीं क्यों माफ कर दो मेरे को दोस्तों हैं तो क्या है ही हैज परजीवर उसने परजीवर क्या परजीवरेंस का मतलब हो है किसी काम को दृढ़ निश्चय के साथ करते चले जाना और ही के साथ देखो सिंगुलर यहां भी लगेगा ये कंटिन्यू ना होकर क्या होना चाहिए और वो क्या करता है और सिंगुलर तो जो लड़खड़ाता है अनवेवरिंग जो दृढ़ निश्चय के साथ अटल होकर खड़ा हुआ है ऐसे डिटर्मिनेशन के साथ दोस्तों अब आपने एक चीज समझनी है यह है सब्जेक्ट ही ठीक है और इस सब्जेक्ट को देखा हमने जो कि सिंगुलर है तो ये तो बना है यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज थर्ड फॉर्म बन गया और आगे बन रहा है वो प्रेजेंट इन में बन रहा है कि लगातार वो कोई काम ऐसा करते हुए है करता है लगातार ऐसा चाहता है तो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट बन गया तो एस और यस लगता है प्रेजेंट डेफिनेट में गड़बड़ होगी पार्ट नंबर बी पार्ट नंबर सी इन दोनों में एरर था इसलिए सी वाला इसका करेक्ट आंसर था सबको समझ में आ गया मुझे बताओ जी सर समझ गए सभी लोग एक बार कमेंट में लिख दो जी सर समझ गए हैं आप लोगों का कमेंट थोड़ा सा सुस्त सुस्त सा लग रहा है ढीला ढीला इतना ऐसे ढीला ढीला होना नहीं चाहिए किसी के कमेंट कमेंट बॉक्स एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से शानदार तरीके से दिखाओ जल्दी से लाओ बट टाइमर लगा दे दो तो टाइमर के साथ करेंगे चलो भाई टाइमर आएगा अब यहां से आ गए ABPSPUS, BIPUS, ये रहा डे ठीक है चलो पहला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर टू ठीक है ये रहा क्वेश्चन नंबर टू चलो ध्यान से देखो दोस्तों इसका जवाब देंगे सभी लोग कम ऑन एवरी जल्दी से इसका जवाब देंगे सभी लोग ठीक है टाइम इज अप इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक डाउट आ रहा है कि सर वह कंटिन्यूड नहीं होगा क्योंकि वर्ब से आ, वर्ब दिया है तो एंड से पहले और एंड के बाद सेम यहां पर आता है देखो क्यों नहीं होगा थोड़ा लॉजिकली हम समझेंगे तो लॉजिकली हमने समझा तो ये समझ में आएगा कि एंड से पहले देखो बड़े ध्यान से देखो क्या लिखा है उसने परजीवर किया है और वो लगातार कुछ कर नहीं सकता बल्कि वो लगातार है उसने परजीवर किया है कहने का मतलब है उसने दृढ़ निश्चय किया है और वो लगातार है अपनी ड्रीम को परसू करने में वो लगातार है उसने लगातार कुछ किया नहीं है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा वो लगातार है अपने ड्रीम को परसू करने में जैसे आपने दृढ़ निश्चय किया है और आप लगातार हैं अपने ड्रीम को परसू करने में तो आप लगातार हैं तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता रहा है किसको बता रहा है दोस्तों इंडेफिनिट को बता रहा है और यहां पर इस वजह से कॉन्टिन्यू का कॉन्टिन्यूज ठीक है ना डाउट क्लियर हो गया दोस्तों आ जाओ इस क्वेश्चन में आते हैं

तो अब हमने देखा डेस्पाइट द डिस्पाइट रेन भारी बारिश होने के बावजूद भी दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक उन्होंने फिर भी डिसाइड किया कि वो हाइक पर जाएंगे हाइक होता है चढ़ाई करते जाएंगे चढ़ते जाएंगे चलते जाएंगे, जाएंगे हाइक पर जाएंगे इन द रिवर रिवर के अंदर कोई रिवर के अंदर हाइक पे जाता है क्या रिवर के अंदर कैसे चढ़ाई करोगे रिवर में तो भाई स्विमिंग करोगे तो असल में कुछ गड़बड़ लग रहा है अगर ये ऐसा होता दोस्तों दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक दी रिवर की जगह बाय द रिवर तो देखो उसका मतलब बदल जाता बाय द रिवर का मतलब हो जाता है रिवर के साथ साथ जैसे कि ये ये ऐसे करके ये नदी चल रही है और मैं नदी के किनारे घूम रहा हूं मैं यहां हाइकिंग कर रहा हूं पहाड़ दे रहा हूं पर्वत देख रहा हूं वाओ कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है साइड में नदी चलती जा रही है ये होता है बाय द रिवर ये रही रिवर और उसके बगल बगल में मैं चल रहा हूं उसे कहा जाता है दोस्तों बाय द रिवर क्या कहा जाता है बाय द रिवर ये दोस्तों ध्यान रख लो हो गया दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक उन्होंने हाइक के लिए डिसाइड किया वो जाएंगे बाय द रिवर टू एंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी स्वीकार लेना है ना किसी को स्वीकार कर ऑफ नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रेंक्यूलिटी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई वह विशेषताएं हो गई तो समझ में आया दोस्तों पार्ट नंबर ए पार्ट नंबर बी दोनों में गड़बड़े ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सबको समझ में आई बात मुझे एक बार कमेंट में लिख के बताओ जी सर समझ गए हैं डन और जितने बच्चे देखते जा रहे हैं एक काम कर दो यार दोस्तों सेशन को शेयर कर दो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं अभी मुझे छह सौ बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर कर दो दोस्तों एक हजार बच्चों तक पहुंचा दो मैं मेहनत करूं तो मुझे लगे कि काफी सारे बच्चों तक मेरी मेहनत पहुंच रही है एक एक करके शेयर आपका एक शेयर दोस्तों मेरे को मोटिवेशन देता है और साथ में थम्सअप भी दे दो जिसने थम्सअप नहीं दिया एक थम्सअप मुझे मोटिवेशन देता है दोस्तों इतना बेसिक से करा रहा हूं डे वन है तो हर वो रूल कराऊंगा जिन रूल से सबसे ज्यादा पूछा जाता है फिर धीरे धीरे ऐसे रूल कराऊंगा कि जिसमें ज्यादा नहीं लेकिन बीच बीच में एक्सेप्शन के तौर पर पूछा जाता है ऐसी वो ऐसी रीडिंग कॉम्पिटिशन ऐसी सब कराता रहूंगा हाँ बस आपको उसी तरीके से मेहनत से पढ़ना है देखो इसको करो दोस्तों कम ऑन एवरी आज पहला दिन है तो थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं मैं है ना बाकी हम सिर्फ तीस सेकेंड के अंदर ही ले आएंगे करते करते जरा देखो इफ आई वो टू फाइंड माई सेल्फ इन सरेंडिपिटस एनकाउंटर विद पर्सन आई एडमायर मोस्ट अगर मैं अपने आप को ऐसा पाऊं कि मैं एक ऐसी व्यक्ति से मिल रहा हूं एनकाउंटर का मतलब दो होते हैं एक तो एनकाउंटर साधारण भाषा में आप जानते हैं कि पुलिस ने किसी किस पुलिस ने किसी अपराधी को चोर चक्के को गोली से मार दिया वो यहां हमला हमला कर कर रहा रहा था था ये तो असल में एनकाउंटर का मतलब हो जाता है जब एक दूसरी तरफ से भिड़ंत तो होती है या एक दूसरे से आप मिलते हैं उसको भी दोस्तों एनकाउंटर कहते हैं पहली बात पहले बताओ ये सबको समझ में आया उसको भी हम क्या कहते हैं एनकाउंटर कहते हैं एक सेकंड रुकेंगे जरा मैं जरा देख लू यहां पर समझ में आ रही बात उसको भी हम क्या कहते हैं एनकाउंटर ही कहते हैं चलो समझ में आ गई एनकाउंटर तो एनकाउंटर है सिरेंडिपिटस एनकाउंटर है अचानक से जब आप किसी से मिल लेते हैं खुश होते हुए तो यह बात ऐसी बताई जा रही है कि आपने इमेजिन किया पहले बताओ ये इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं याद रखना है ये इमेजिन करें इफ आई वॉज टू फाइंड मैट अगर मुझे अपने आप को ढूंढना हो खुद को ढूंढना हो कि मैं खुद को अगर चाहूं कि मैं किसी से मिल रहा हूं ये चीजें रियल नहीं है अनरियल चीजें इमेजिनेशन वाले सेंटेंस है तो जब इमेजिन किया जाएगा या जिसको कहा जाता है अनरियलिस्टिक सेंटेंसेस होते हैं बहुत ध्यान से सुनो इमेजिन किया जा रहा है या अनरियलिस्टिक सेंटेंसेस तो वहां पर चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पर कुछ भी लिखा हो फिर उस कंडीशन में सब्जेक्ट चाहे सिंग्युलर हो चाहे दोस्तों प्लूरल हो हमेशा वहां पर अगर बी वर्ब चाहिए होती है बी वर्ब का मतलब एम आर चाहिए होता है तो हमेशा वहां पर डब्ल्यू आर ई वर यूज करेंगे और बी वर्ब नहीं होगी कोई मेन वर्ब होगी तो मेन वर्ब होने की कंडीशन में जो भी वर्ब होगी उसकी सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं यह हमारा रूल होता है दोस्तों जैसे हमने देखा बचपन में सेंटेंस सुने होंगे अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता इफ ई वर अ चाइल्ड आई वुड फ्लाई चाइल्ड आई वुड फ्लाई है ना ऐसे करके अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं ऐसा रूल ले आता इफ आई बिकेम अफ आई वर अ चीफ मिनिस्टर याद आ रहे हैं कितनों को रूल याद आ रहे कमेंट में लिख दो याद आ रहा है कमेंट में लिख दो याद आ रहा है लिख दो एक बार सो so, यह गलती समझ में आ गई इफ आई वॉज ना होकर क्या आएगा टू फाइंड माई सेल्फ इन आरेंडिपिटस एनकाउंटर विद दर्सन उस पर्सन से मिलने का मौका मिले आई एडमायर मोस्ट जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूं एडमायर का मतलब उसको फॉलो करता हूं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं उसे कहते हैं एडमायर करता हूं तो क्या होगा आई वुड सीज दी अपॉर्चुनिटी तो कह रहे मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले लूंगा अब मैं इसका रूल बता देता हूं एक रूल और जैसे ये ध्यान रखा दूसरा रूल और ध्यान रखेंगे साथ के साथ दूसरा रूल ये कि ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां कहीं पर भी सेंटेंस ये वाला बनता है ना इफ से कि इफ लिखा होगा अनरियलिस्टिक सिचुएशन है तो देखो दो चीजें बनती हैं या तो वहां पर डब्ल्यू आर ई वर् लिखा होगा या फिर कोई वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है है ना तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वहां पर क्या होगा याद रखना है वहां पर वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब होनी चाहिए ये पूरा ध्यान रखने की जरूरत है कंडीशनल सेंटेंस में वो आपने यहां देखा आप में से जितने बच्चों के लिए रूल नया होना दोस्तों रूल को नोट कर लेना बाकी इसकी पीडीएफ तो दोस्तों आप डाउनलोड कर लेना मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा डाउनलोड कर लेना टेंशन नहीं लेना कोई भी ठीक है आ जाओ तो जरा हम यहां पर आते हैं इसको हमने देखा और देखने के साथ हमने क्या कहा आई वुड वुड लिखा ये की का मतलब कैप्चर कर लूंगा क्या अपॉर्चुनिटी को एंड आस्क फॉर अ चांस देखो चांसेस गड़बड़ हो गया ना और मैं आस्क यानी कि और मैं डिमांड करूंगा आस्क फॉर का मतलब होता है मांग रखना डिमांड करूंगा कि एक मौका मिल जाए ये आर्टिकल ए लिखा हुआ है ना हमेशा याद रखना है कहीं पर भी ए और एन लिखा होता है तो इसके बाद जो नाउन आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा ठीक है दोस्तों तो चांसेस की जगह क्या हो गया सी एच एन सी चांस हो जाएगा सिंगुलर बनाएंगे सो आई वुड आस्क फॉर अ चांस टू लर्न कि मैं सीखने का चांस चांस ही लूंगा कि मैं सीख पाऊं फ्रॉम देयर विजडम उनकी विजडम से उनकी विजडम का मतलब क्या हो गया उनकी सूझबूझ से तो जैसे ही आपने देखा देयर विजडम तो हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं विद द पर्सन वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए देयर पर्सन क्यों आएगा इसके लिए दोस्तों आएगा हिज मतलब देयर विजडम क्यों आएगा सिंगुलर के लगेगा हिज विजडम अनएक्सपीरियंस उसके विजडम और एक्सपीरियंस सीखने का मौका मैं लूंगा चेरिशिंग दी मोमेंट फॉर एवर जिससे कि उस मोमेंट को पूरी तरीके से मैं चेरिश कर पाऊं यानी कि फल अ फूल चेरिश करने का मतलब होता है फलना फूलना है ना फलना फूलना तो दोस्तों गलती कहां कहां निकली गलती निकली दोस्तों पहले आया पार्ट नंबर ए पार्ट नंबर ए में गलती है फिर आया दोस्तों पार्ट नंबर सी में गलती है फिर आया दोस्तों पार्ट नंबर डी में गलती है ए में भी गलती है सी में भी गलती है डी में भी गलती है लेकिन हमारे ऑप्शन में ए सी डी कहीं लिखा नहीं है तो ये बेटा ये बेटा मेरी गलती है कि ऑप्शन मैंने गलत बना दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन सीख गए तो मुझे बताओ जी सर सीख गए तीनों पार्ट में गलती है ऐसे करके एक ऑप्शन हमारा ये हो जाता ए सी और डी होना चाहिए ऐसे करके होता तो बन जाता चलो कोई बात नहीं सीख गए ना चलो अब बोलो एक बार सब लोग सीख गए तो प्यारा सा हंसने वाला एक चेहरा भी बना दो ताकि मुझे थोड़ा सा लगे कि हां सीख रहे हो है ना ये मत कहना सर धोखा दे दिया सिखा दिया वो सीख गए ना आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे एवरीवन डू इट कम ऑन डू इट चलो दोस्तों टाइम इज अब समय खत्म हमने शानदार तरीके से पहला क्वेश्चन सीखा था अब ये सीखेंगे क्या लिखा हुआ है इन स्प्राउलिंग मेट्रोपोलिस ऑफ न्यूयॉर्क सिटी कह रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिस ऐसी जगह को कहा जाता है जो एडवांस्ड है एडवांस्ड शहर है वो मेट्रोपोलिस हो जाते हैं वो स्प्राउल का मतलब हो जाता है दोस्तों इंक्रीज होता हुआ सो so, इनक्रीज होता हुआ मेट्रोपोलिस जो है न्यूयॉर्क सिटी में ए लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज ए लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज है जो है, जो है कम्स टूगेदर एक साथ आती है खुद के यूनिक ट्रेडिशंस और के साथ. दोस्तों जब आप ये देख रहे हो ना आप मुझे अब बताओ, एडिटोरियल 365 वाला बैच, जिसमें दोस्तों मैंने कल ही पढ़ाया है हालांकि पढ़ाया हर क्लास में, जिसमें मैंने कल ही ये रूल पढ़ाया है कितने लोग उस क्लास से मुझे बताओ ये से बोलना प्रेजेंट सर मैंने कल ही रूल बताया था जो बच्चे ने ये बड़े ध्यान से सुनो कहीं लिखा हुआ है घर ऐसे ए नंबर ऑफ ठीक है ए नंबर ऑफ लिखा है तो उसके बाद जो नाउन आएगा हमेशा वो प्लूरल आता है अब जो यहां सब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट बनता है दोस्तों नंबर 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 ए नम्बर. तो ए तो होता है एक ऐसी संख्या जो कि निश्चित नहीं है दस है पंद्रह है बीस है पच्चीस कितनी भी है ये अनिश्चित होती है अनसर्टेन होती है तो जो ये सब्जेक्ट बनता है ना ए नंबर यानी जो संख्याएं हैं जो पता नहीं है कि हमेशा प्लूरल माना जाता है और इसी वजह से दोस्तों इसके साथ यूज होने वाली जो वर्ब होती है वो भी दोस्तों प्लूरल हो जाती है और इसके साथ अगर अगर कोई प्रोनाउन तो प्लुरल होगा समझ आ रही है कितने बच्चे हैं जरा मुझे सब लोग कमेंट में बताया आप लोगों ने प्रेजेंट है बहुत बढ़िया याद है ना रूल तो वही रूल है कि ए लार्ज नंबर ऑफ तो चाहे ए नंबर ऑफ हो चाहे ए लार्ज नंबर ऑफ हो ए ग्रेट नंबर ऑफ हो गुड नंबर नंबर ऑफ़ ऑफ़ ए के साथ में है तो देखो लिखा है डाइवर्स डाइवर्स का मतलब भिन्न-भिन्न तो लेकिन देखो वर्ब तो ना? गल नाउन होता है ना तो वर्ब में एसोरियस नहीं लगाते ऐशोरियस नहीं लगाते जरा बता देता हूं कैसे याद आ जाएगा बचपन का ही रूल। आज भी मैंने कराया था जैसे दे गो टू स्कूल लिखते हैं गो में गोज नहीं लिखते ना क्योंकि दे प्लूरल होता है लेकिन अगर इसकी जगह ही लिखा होता तो आपको लिखना होता ही गोज टू स्कूल याद आ गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे एस ऐस और यस लगेगा क्यों अगर ये सिंगुलर होता है इस वजह से तो वहां हमने देखा वो तो प्लूरल था और प्लूरल था तो एस हट जाएगा तो पहली गलती समझ में आ गई क्या हो गया डाइवर्स कम्युनिटीज कम टुगेदर आगे बढ़ते हैं और आज ही एडिटोरियल 365 में दूसरा रूल भी कराया था ईच ईच हर ब, हर बच्चे याद रखना कहीं लिखा हुआ है ना? ईच कहीं लिखा हुआ है एवरी लिख लो इसे ईदर नीदर ये सारे के सारे सिंगुलर को शो करते हैं तो देखो लिखा ईच विद इट्स सिंगुलर प्रोनाउन आ गया ओन यूनिक ट्रेडिशन में है कल्चरल प्रैक्टिस में फोस्टर करते हुए फोस्टर का मतलब हो जाता है किसी चीज को स्टन करते हुए मजबूती देते हुए फोस्टर करते हुए कि रिच टेपेस्ट्री है टेपेस्ट्री कहा जाता है एक प्रकार का जैसे हमने कहा कपड़ा है

पार्टिसिपेशन होना चाहिए तो दूसरी गलती दोस्तों यहां पर आ गई तो पहली गलती पार्ट नंबर बी में दूसरी गलती पार्ट नंबर ई में ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हुआ क्या ये बात सबको समझ में आ गई है देख लो बड़े ध्यान से सबको समझ में आ गई एक बार मुझे कमेंट में लिखकर बताएं जी सर समझ में आ गई है एवरी वन ऑफ यू और समझ आ रही है दोस्तों तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करें क्योंकि मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहता हूं आप थम्सअप दोगे दोस्तों मुझको लगेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं सभी बच्चे प्यारे प्यारा थम्सअप जरूर दो और जो डाउट रहे ना इसमें कि सर डाउट रह गया सारा का सारा कमेंट में लिखना मैं क्लियर कर दूंगा फिर भी रह जाएगा वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करूंगा टेंशन नहीं लेनी ठीक है ना दोस्तों चलो अगला क्वेश्चन इसको समझें इसका जवाब दें टाइम इज़ आप इतनी देर में कर लिया ना आप सब लोग बताओ क्या डाउट है कुछ बच्चे का डाउट पिछली वाली क्वेश्चन में रह गया दोस्त चिंता मत करो मैं भी क्लियर कर देता हूं। एक ना सर नहीं समझ में आया देखो आपको बताया ना कि सब्जेक्ट अगर ए नंबर होता है तो उसे मानते हैं अब है। तो है, तो तो आप कह रहे हो कम्स जो है उसका कम प्लूरल कैसे होगा तो आप याद करो ये वाला एग्जांपल जैसे बचपन में हम लिखते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर है

कम रहेगा कम्स नहीं होगा ये क्लियर हो गया ऐसे ही सेम चीज दोस्तों यहां पर है ह्यूमैनिटी लिखा है इसके बाद किसी ने पूछा एनकरेजेस कैसे हुआ ह्यूमैनिटी भी तो सिंगुलर है ना ह्यूमैनिटी सिंगुलर है सिंगुलर के लिए वर्ब लगेगी तो इसमें एस यस लगता वहां प्लूरल के लिए लगी थी तो एस हट गया था वर्ब में ये वर्ब का ध्यान रखना है ठीक है अब मेरे को बताओ ये क्लियर हो गया ना सबको एक बार सब लोग मुझे बोल देना यस सर क्लियर हो गया और चिंता मत करो सबको क्लियर करवा दूंगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसको समझते हैं ठीक है यूजर्स बिलीव यूजर्स ऐसा मानते हैं यूजर्स किसी चीज को यूज करने वाले लोग हो गए अब देखो ये सब्जेक्ट है ना यूजर्स और प्लूरल है तो देखो वर्ब में क्या लिखा है बिलीव एस नहीं लगाए ना क्योंकि प्लूरल है प्लूरल है ऐसी जैसे ए नंबर में वो प्लूरल है इसलिए कम्स नहीं करतेंगे. कम किया था ऐसी बिलीव बताओ सबको समझ में आया यूजर्स बिलीव करते हैं कि जो ट्रीटमेंट्स हैं कैन क्वेल क्वेल का मतलब हो जाता है जिससे कहीं झगड़ा हो रहा है उसको शांत कर देना कोई सीवियर है कोई चीज खराब हो रही है उसको उसको रोक देना और खराब ना हो उसी को कहते हैं क्वेल करना कि जो ट्रीटमेंट्स हैं ये क्वेल कर सकते हैं यानी रोक लगा सकते हैं किस पर एक कोल्ड ऐसी तो बात हो रही है एक कोल्ड पर किसी प्रकार का कोल्ड रखा उसको क्वेल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं तो देखो ये कैन है

G H T E N ये ये होना चाहिए ब्राइटन स्किन ये स्किन को ब्राइटन कर सकते हैं कॉमा एक और वर्ब आगे की रही और क्या कर सकते हैं फिक्स कर सकते हैं हैंगओवर को हैंगओवर क्या है कि जैसे हमारा ब्रेन ना सही से काम नहीं कर पाता है उम्र बढ़ती जाती है तो ब्रेन धीरे-धीरे वो भी नुकसान उसको हो रहा है अगर ब्रेन को किसी तरीके से तो रिस्पोंड ढंग से नहीं कर रहा तो वही हैंगओवर हो गया उसको भी फिक्स कर सकता है और जस्ट मेक इट फील वेल और जस्ट उनको क्या कर सकता है ये जो ट्रीटमेंट है उनको अच्छा महसूस करा सकता है किसको अच्छा महसूस करा सकता है ये जो ये यूजर्स हैं वही तो बिलीव करते हैं ये यूजर्स के लिए यूज़ हो रहा है तो इट क्यों लगेंगे यूजर्स तो प्लूरल है और प्लूरल के लिए तो दैम लगता है दूसरी गलती ये आ गई गलती समझ में आ गई ना दूसरी गलती दोस्तों ये आ गई उनको अच्छा फील कराएगा उनको किनको जो यूजर्स हैं तो हमने देखा पहली गलती ये आ गई दूसरी गलती ये आ गई यानी डी वाला पार्ट और ई वाले पार्ट में गड़बड़ आ गई ये पार्ट नंबर बी अब मेरी बात सुनेंगे मैं रूल बताता हूं आपको ये कॉमा कॉमा वाला जो रूल बताया मैं बताता हूं हमेशा याद रखना कि जैसे वर्ब है फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है कैन आपको मालूम है कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसके बाद अगर कोई और वर्ब आ रही है तो वो भी वर्ग की फर्स्टफॉर्म जितनी वर्ब आएंगी वर्ग की फर्स्टफॉर्म आती रहेगी वर्ग की फर्स्टफॉर्म आएंगी जितनी आएंगी फिर एंड के बाद फॉर एग्जाम्पल या और के बाद खत्म हो रहा तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऐसे ही दोस्तों फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इज इस। और इज के बाद वहां पर आई एनजी लगा हुआ है जैसे ही इज गोइंग डूइंग वर्किंग एंड एनीथिंग एल्स तो हमने देखा तो इसके साथ आई एनजी तो जितनी बार भी उसके रिलेटेड बात हो रही होगी तो सेम वर्ब ही जाएगी क्या जाएगा दोस्तों हमेशा सेम वर्ब ही जाएगी इस चीज को याद रखना याद रहेगा ना ये चीज सेम याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे दूसरा एक रूल ये भी याद रखना जैसे कि कहीं लिखा हुआ एंड कंजंक्शन तो एंड से पहले और बाद में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जैसे यहां अगर बात हो रही है किसी नाउन की तो ये दोनों चीजें नाउन नाउन ही हो रही होंगी है ना एडजेक्टिव होगा तो दोनों जगह दोस्तों एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा वर्ब होगी तो दोनों जगह वर्ब यही होगी और वर्ब की जो भी फॉर्म होगी उसी फॉर्म में वर्ब होगी सेकंड फॉर्म में होगी तो सेकंड फॉर्म यहां भी थर्ड फॉर्म में होगी थर्ड फॉर्म यहां भी हमेशा दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना ठीक है याद रहेगा भूलोगे तो नहीं ना ये देखो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसको याद रखना इसको कोई मत भूलना ठीक है मुझे सब लोग बता दो जी सर याद रखेंगे नहीं भूलेंगे बढ़िया से ठीक है आ जाओ आज सीख के जाओगे तो मजा आ जाएगा चलो पांच क्वेश्चन ये खत्म हुए अब आते हैं डबल फिलर्स पर कि डबल फिलर एग्जाम में बनते हैं ये क्वेश्चन से करेंगे ठीक है चलो ये टाइम स्टार्ट नाउ इसको सॉल्व करेंगे बताएंगे क्या इसका आंसर बनेगा दोस्तों ठीक है आंसर आना शुरू हुआ सभी लोगों का वेरी वेल डन बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर डी कई सारे लोगों ने बता दिया बहुत बढ़िया मैंने इतना समय इसलिए दिया पहला क्वेश्चन है आप ध्यान से करेंगे बहुत अच्छी बात है जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बनाया है आइए पढ़ते हैं कह रहे हैं हिस्टोरियन स्क्रपल अप्रोच स्क्रपल का मतलब हो जाता है वेरी डिटेल्ड अप्रोच किसी चीज में डिटेल में कोई चीज देखना उसे कहते हैं स्क्रप्लस करना है ना डिटेल और केयरफुल तरीके से चलो स्क्रपल अप्रोच वेरी गुड कि जो हिस्टोरियन की स्क्रपल अप्रोच थी डिटेल अप्रोच थी टू एंशियंट टेक्स्ट को लेकर ऑफन अक्सर लेड टू वेग इंटरप्रिटेशन दट फ्यू कुड डिस्प्यूट अक्सर उसमें वेग आ, वेग एक तरीके के इंटरप्रिटेशन होते थे वेग का मतलब अनक्लियर अनक्लियर इंटरप्रिटेशन होते थे अरे अगर इंटरप्रिटेशन था अनक्लियर था वेग का मतलब तो अनक्लियर होगा तो कुछ लोग डिस्प्यूट जब अनक्लियर ही है तो डिस्टिप्यूट क्यों करेंगे एक बात बताओ यहां से वो स्क्रपल है यानी कि यहां से बहुत फोकस कर रहे हैं स्क्रपल का मतलब क्या हो गया डिटेल में कोई काम कर रहे हैं ना और डिटेल में करेंगे तो उसकी वजह से अनक्लियर अनक्लियर इंटरप्रिटेशन आएगा आप कोई काम डिटेल में बताओगे तो अनक्लियर हो जाएंगी चीजें कहा हो भैया एक बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर डी तो दूसरे ने कहा डी तीसरे ने कहा डी चौथे ने कहा डी ये भेड़ चाल नहीं है स्टूडेंट चाल है आज से नई कहावत बना देते हैं कि भैया स्टूडेंट चाल में मत जाओ स्टूडेंट चाल नहीं सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट चाल स्टूडेंट चाल हो गई ये ठीक है क्या कहते हो चार बच्चों ने बता दिया ऑप्शन नंबर बता दिया अरे कुछ शर्म करो देखो आसपास चुल्लू भर पानी है है क्या अगली बार चोरी नहीं करना अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लगाना है अरे भाई जब एक बात बताओ कि बहुत ज्यादा अप्रोच एकदम क्लियर और डिटेल्ड होगी तो उससे वेग कैसे आ सकता है इंटरप्रिटेशन अनक्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा हमने देखा दूसरा रिगरस रिग्रस का मतलब भी होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से करना उसे कहते हैं रिग्रस लेकिन आगे कैसे इंटरप्रिटेशन आ गया अनडिटरमाइंड अनडिटरमाइंड मतलब जो चीज अनसर्टेन है तो अनसर्टेन इंटरप्रिटेशन का मतलब कैसे बनेगा गलत है फास्ट टी का मतलब भी यही होता है किसी भी चीज में डिटेल्ड मैनर में डिटेल्ड मैनर में कोई चीज ढूंढना लेकिन आगे फिर से लिखा है इन डिस्टिंक्ट इन डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है कोई चीज जो अनक्लियर है तो ये भी नहीं आ सकता है ना पंक्टीलियस इसका मतलब भी होता है किसी भी चीज को डिटेल तरीके से देखना और आगे दिया अनएम्बिगुअस जिसका मतलब है क्लियर होना यारे ये तो बन सकता है कि हिस्टोरियन का पंक्टिलियस अप्रोच थी पंक्टिलियस का मतलब डिटेल तरीके से अप्रोच थी लेकिन एक और है एक तो मतलब होता है डिटेल और एक मतलब होता है मेटिकुलस मेटिकुलस का मतलब है किसी चीज को डिटेल में तो करना विद केयरफुल थॉट के साथ केयरफुल थॉट के साथ अब बात यह हमेशा याद रखना दोस्तों जो बता रहा हूं बड़े ध्यान तो सुनो जब कभी भी किसी प्रकार की रिसर्च रिसर्च को लेकर कोई बात हो रही है कोई ऐसा काम है जो किसी प्रकार की रिसर्च को बता रहा है किसी प्रकार की बहुत बड़े काम को बता रहा है एंशियंट अप्रोच हो जाए या ऐसे कोई काम ऐसा रिसर्च में आते हैं तो इसमें केयरफुल थॉट की भी जरूरत होती है इसलिए यहां पर दोस्तों मेटिकुलस लगाएंगे क्या लगाएंगे मेटिकुलस लगाएंगे। साधारण चीजों में आप लगा दोगे कि डिटेल से ज़्यादा चैप्टर पढ़ना डिटेल में तो चैप्टर को पढ़ना डिटेल में और हिस्टोरियन की अप्रोच होना डिटेल में बहुत अंतर है बहुत अंतर है वो रिसर्च को बता देगा लेकिन चैप्टर को डिटेल में पढ़ना साधारण बता देगा साधारण जगह इनको लगाएंगे डिटेल में बात होगी तो मेटिकुलस को लगाएंगे अन इक्वीवोकल का मतलब भी यही होता है कोई चीज जो साफ तौर पर है क्लियर है वो क्लियर का लॉजिक यहां बन जाएगा हिस्टोरियन का मेटिकुलर जो अप्रोच है एंशियन टेक्स को लेकर ऑफन लेड टू अन्यूविकल इंटरप्रिटेशन अक्सर उससे क्लियर जो इंटरप्रिटेशन निकले उनकी अप्रोच से जो कि कुछ लोग जो है उस पर डिसप्यूट करते हैं कुछ लोग डिसप्यूट करते हैं वो सेंटेंस आगे था सो ऑप्शन नंबर ए जो है इज दी राइट आंसर पहले बताइए क्या सबको समझ में आया है एवरी जितने बच्चे देख रहे हैं सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए सबको समझ में आ गया है। आ गया है सबको समझ में समझ रहे हो कितना डीप छोटा छोटा अंतर करके एग्जाम में बनता है बट मैं हूं चिंता नहीं करेंगे सारे समझा दूंगा मैं टेंशन तो बिल्कुल लेंगे नहीं देखो अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने हर किसी वर्ड का मतलब लिखा है आगे चल के कुछ को मैंने लाल नहीं किया है क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं बचा था क्लासेस बैक टू बैक होते ना इस वजह से है ना बाकी कोई दिक्कत नहीं है बिना लाल के ही पढ़ लेना काले से ही पढ़ लेना ठीक है चलो दोस्तों इसको करें सब लोग रेडी है ना दोस्तों इसको करना आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर टू है ये रहा आपके सामने डो इट कमन एवरी वन वेरी वेल डन ऑप्शन नंबर सी कई सारे लोग यहां बता रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने अपने अपने जवाब दिए कुछ ने सी चूज किया कुछ ने बी चूज किया कुछ ए भी चूज कर रहे हैं समझते हैं द डैश नेचर ऑफ दी पोयम पोयम का जो डैश नेचर था वो एक्सेंचुएट उसे एक्सेंचुएट किया गया एक्सेंचुएट का मतलब है और ज्यादा एनलार्ज करना और ज्यादा बढ़ा देना किसी चीज को इंक्रीज कर देना ये एक्सेंचुएट होता है एक्सेंचुएट किया गया बाई द पोइट्स डैश यूज ऑफ इमेजरी पोइट का जो डैश यूज था इमेजरी का इमेजरी मतलब उसकी इमेजिनेशन उसकी इमेजिनेशन का कुछ डैश यूज से डैश यूज से क्या और ज्यादा किया गया यानी थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देना किसी चीज पर प्रकाश डालना तो जैसे पोयम होती है पोयम की कई बार जो लाइन होती है वो ऐसे आसानी से नहीं समझ में आती लेकिन पोइट ने उसका थोड़ा बखान किया समझ में आ गया रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए तो आपने जैसे ही इसको सुना तो आपको समझ में आया कि इसका ये मतलब है लेकिन जिसने कभी सुना नहीं है तो उसको तो चाहिए ना कि हाँ क्या कह रहे हैं बताओ है ना अब जरा लगाते हैं तो तो आपने लगाया क्या लगाया लगाया क्या जो भी चलो सब एक एक करके पढ़ते हैं दी क्लियर नेचर ऑफ पोयम पोयम का एकदम जो साफ नेचर था उसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया पोइट की मडल्ड यूज ऑफ इमेजरी नहीं ये अगर क्लियर था तो मडल नहीं मडल का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो आप पूरी तरीके से कंफ्यूजन से भरी हुई है उससे कहते हैं मडल मडल आपका दोस्तों नहीं लग पाएगा क्लियर है यहां तक सभी को है ना नेक्स्ट में देखा दी एनिग्मेटिक देखो एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस हो, होना क्या होता है इसका मतलब मिस्टीरियस मिस क्या होना मिस्टीरियस नेचर होना अगर आप लगा भी दोगे तो भी नहीं लगेगा क्योंकि मिस्ट्री वाली चीजों में लगता है और पोएम कभी मिस्ट्री से भरी नहीं हुई होती है प्रोज हमेशा मिस्ट्री से भरी हुई होती है कहानियां होती है ना उनमें मिस्ट्री बनती है

ओवर्ट दिया हुआ है ओवर्ट नेचर है पोयम का ओवर्ट यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना ठीक है ओवर्ट का मतलब है कोई एक ऐसी चीज जो कि छुपी हुई नहीं है सबके सामने है तो उसको अगर एक्सप्लेन किया गया पोएट के नेबुलस यूज से नेबुलस उल्टी बात होगी नेबुलस का मतलब है कोई भी चीज जो छुपा के की, की जाए अनक्लियर तरीके से उसे नेबुलस कहते हैं जब पोयम का नेचर ओवर्ट था यानी कि एक तरीके से हिडन नहीं था साफ तौर पे सबके सामने है तो ओवर्ट है और उसको एक्सेंचुएट यानी कि एक्सप्लेन किया गया पोइट के नेबुलस यूज ऑफ इमेजरी से नेबुलस का मतलब तो कोई चीज जो हिडन है कोई चीज जो छुपी हुई है है ना जो चीज डिफाइन नहीं है अच्छे से उसे कहते हैं दोस्तों नेबुलस नेबुलस लगेगा क्या गलत हुआ आप जो लगा रहे थे क्यों गलत है मैं यह बता रहा हूं अगला देखो द डायरेक्ट नेचर ऑफ द पोएम द ल्यूसिड यूज ऑफ इमेजरी तो क्यों गलत हो गया कि अगर वो ऑलरेडी डायरेक्ट नेचर था तो सबको समझ में आ रहा था और उसे कह रहे हैं उसे और एक्सेंचुएट कर दिया गया पोइट uh, के ल्यूसिड ल्यूसिड मतलब क्लियर तरीके से वो ना बनकर आपका यह बनेगा कि जो ऑब्लिक नेचर था ऑब्लिक नेचर था ऑब्लिक का मतलब है कोई एक पोएम जिसमें कोई बात डायरेक्टली एक्सप्रेस ना हो उसी को ओब्लिक नेचर कहते हैं कोई भी पोयम है जो डायरेक्टली एक्सप्रेस ना हो तो हमने लिखा ओब्लिक मींस नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। कोई चीज जो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं है उसे कहते हैं ओब्लिक और आपने कहा जो ओब्लिक नेचर है पोयम का उसे एक्सेंचुएट किया गया बाय द पोइट्स स्पीकुअस यूज ऑफ इमेजरी परस्पीकुअस का मतलब है क्लियर तरीके से कैसे साफ तौर पर क्लियर तरीके से क्लियर तरीका क्लियर तरीके से परस्पीकुअस यूज ऑफ इमेजरी एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जो चीज डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं थी उसको पोएट ने एक्सेंचुएट किया समझाया अपने खुद के एक यूज इमेजरी से, इससे समझाया। बताइए सबको समझ में आया दोस्तों साधारण क्वेश्चन होता तो मैं आपको दे देता और आपको सीखने में भी मजा नहीं आता क्वेश्चन ऐसे लेकर आता हूं कि बहुत सिमिलर आपका मतलब है लेकिन उस सिमिलर में भी दोस्तों आपको डायरेक्टली समझना है और आप समझ पाओगे ये छोटे छोटे दोस्तों आपका डिफरेंस के साथ ऑप्शन आते हैं और आपको ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस को समझना है Clear है क्लियर सबको वाई ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर डेफिनेटली दोस्तों आज आप इसे करोगे तो जरूरी नहीं एकदम से आपका सही आंसर निकल जाए बट येस yes, धीरे धीरे करने पर आपका निकलेगा सही आंसर इन क्वेश्चन को बनाता हूं दोस्तों तो मैं एक ही चीज सोच के बनाता हूं एग्जामिनर आपको कहां फंसा सकता है और ये गारंटी है मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस अगर आप करके चले जाओगे कोई भी एग्जाम दोगे आप दोस्तों अपने आप को सबसे आगे पाओगे और आज की क्लास करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए लगे कि कॉन्फिडेंस है सर तो तो दोस्तों बताना आज तो पहली क्लास है सारी क्लास देखना एंड तक अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मुझे बताना कि जी सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और मुझे थम्स अप दे यार सेवन एटी एट यानी आठ सौ बच्चे देख रहे हैं तकरीबन और लाइक बटन पे कितना प्रेस है सात सौ 690, यानी 700 पे प्रेस है सौ बच्चे और जल्दी से थम्सअप प्रेस करो मुझे लगना चाहिए ना यार कि हां आप सीख रहे हो एक बार थम्सअप प्रेस करो दोस्तों आओ ये क्वेश्चन करें इसको सीखेंगे ध्यान से देखो और थम्सअप पे प्रेस कर दो दोस्तों एवरीवन, एवरीवन। आंसर आना शुरू हो गया दोस्तों फिर से ऑप्शन ए से लेकर ई e तक अलग अलग आंसर आ रहे हैं जिसने जो लगाया है ध्यान से समझेंगे इसको समझते हैं फिलोसोफर फिलोसोफर कैसा होता है फिलोसोफर की बातें ऐसी होती है जो डायरेक्टली समझ नहीं आती हम्म वो फिलोसोफर की बातें होती हैं जो डायरेक्टली दोस्तों एकदम से समझ नहीं आती तो फिलोसोफर का जो डैश आर्ग्यूमेंट है कैसा आर्ग्यूमेंट होगा देखो क्लियर आर्ग्यूमेंट तो होगा नहीं क्लियर नहीं होगा तो ल्यूसिड नहीं होगा गई साफ तौर पर दो तो गलत हो गए एविडेंट का मतलब भी जो चीज प्रत्यक्ष है जो चीज क्लियर है उसे कह देते हैं कि वो क्या है साफ तौर पर समझ में आ रही है समझ में आई ये बात यहां तक सबको मेरे को बताएं सबको समझ में आ गई है है ना आ जाओ अब हमने कहा दो बचते एक है एप्स्यूस एप्स्यूज का मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसको समझना काफी मुश्किल है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या मतलब होता है इसका डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है ना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ठीक है ये मतलब होता है एप्स्यूज का एक वर्ड दिया दोस्तों आर्केन आर्केन का मतलब कोई एक ऐसी चीज जो कुछ ही लोगों के द्वारा समझ में आए है. है ना कि यानी कि आपने लिखा अंडरस्टूड By only some group or persons, कुछ ग्रुप या पर्सन के द्वारा ही कुछ ही स्पेसिफिक लोग हैं अंडरस्टूड बाय ओनली स्पेसिफिक लगाओ स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक लोग ही समझ सकते हो कोई चीज कोई भाषा जैसे साइंटिफिक कोई बात हो रही है तो साइंटिफिक चीजें हम और आप नहीं समझ पाएंगे क्या मतलब है जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा अब मिडे में जब दोस्तों एक पायलट उड़ा रहा है प्लेन को और अचानक से प्लेन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो एक टर्म का कर इस्तेमाल करते हैं इस तो ये टर्म आपको जनरली नहीं समझ आएगा बट हाँ ये स्पेसिफिक लोग ही समझ पाएंगे ऐसे ही हर एक चीज में जो स्पेसिफिक लोग समझ सकते हैं उसको कहते हैं दोस्तों आरके अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इतने अच्छे से ताकि आपको क्लियरली समझ में आए ठीक है सो so, फिलोसोफर का एबस्यूस आर्ग्यूमेंट या आर्केन आर्ग्यूमेंट जो था वो ओकेशनली ऑफसेट ऑफसेट का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे इजीली दोस्तों नोटिस 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 ना किया जाए ठीक है 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 समझ में आ रहा नहीं नहीं की जा रही होती है। जिस चीज को नहीं कर सकते कि यार उसका आर्ग्यूमेंट ऐसा था कि मुश्किल था आर्ग्यूमेंट तो कई बार उसे नोटिस नहीं कर सकते ऑफसेट का मतलब है जिस चीज को आप नोटिस नहीं कर रहे हो अक्सर उसे नोटिस नहीं किया जाता था बाइज पेल्पेबल एग्जाम्पल क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत सिंपल होते थे पेल्पेबल का मतलब है कोई चीज जो क्लियरली समझ में आ रही है क्लियर टू अंडरस्टैंड कोई चीज जो साफ तौर पर समझ में आ रही है क्लियर टू अंडरस्टैंड है वो आपका पैलपेबल पे हो गया एंड यही आपका राइट right आंसर हो गया मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को शो करना किसी चीज को शो करना तो क्या लगा दिलॉसफर्स एब आर्ग्यूमेंट यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाला जो आर्ग्यूमेंट था वो ओकेशनली ऑफसेट हो जाता था ऑफसेट मतलब

ए था इसका भी आंसर ए था ऐसा आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपके आंसर ए आए और इसका भी आंसर पता नहीं करो इसमें बताओ कम ऑन कम ऑन दोस्तों आप जबरदस्ती ए मत लगा देना ठीक है आ, देख के लगाओ चलो आंसर आना शुरू हो गया ऑप्शन नंबर डी कई सारे लोगों ने बता दिया है ठीक है आ जाओ पढ़ते हैं the dash texture of the fabric. Fabric कहा जाता है एक प्रकार का कपड़ा इस कपड़े का जो डैश टेक्स्टर है टेक्सचर हैप्टिक कहा जाता है ये टेक्निकल टर्म है दोस्तों टेक्नोलॉजी के सेंस में किसी चीज को जब आप टच कर पाए जैसे कि करंट है जैसे कि सर्किट्स है टेक्नोलॉजी के टर्म में जब आप चीजों को टच करते हैं उसे कहा जाता है कि ये हैप्टिक है कोई चीज के आप टच कर सकते हैं ये हमने कहा इस लिक्विड को टच कर सकते हैं इस केमिकल को टच कर सकते हैं ये इस सेंस में यूज होता है तो क्या ये यहां यूज होगा दी हैप्टिक टेक्सचर ऑफ फैब्रिक कैसे यूज हो जाएगा वॉज कॉन्ट्रास्टेड वो कॉन्ट्रास्ट था बाय इट्स ग्लॉसी अपीरेंस अंडर सर्टेन लाइट्स

कह रहे नहीं चमकने वाली में उसको मार्जिन नहीं मिल रहा था उसमें इतना उसने यार मैट कर दी मेरी कह रहे मैट बढ़िया होती कह रहे स्टैंडर्ड होती है ये अच्छे लोग मैट करवाते हैं तो मैट में मेरी शक्ल आएगी ऐसी माला डला हुआ मैं ऐसे खड़ा <laughs> तो आपको समझ में आया ग्लॉसी क्या होता है मैट क्या होता है दो के मतलब समझ में आ गए आपने कहा टेंजिबल टेंजिबल का मतलब हो जाता है कोई चीज जिसको टच किया जा सकता है हवा की हवा हवा छुई जा सकती है महसूस हो सकती है ये टेंजिबल है जिस चीज को टच कर सकते हैं कि आप इस बोर्ड को टच कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे कहोगे नहीं कर सकते तो टेंजिबल नहीं है लेकिन मैं कर सकता हूं तो मेरे लिए ये टेंजिबल है ये लॉजिक यहां नहीं बनेगा ये चीजें वहां बनती है बट यहां नहीं क्योंकि सर्टेन लाइट्स में मैट कैसे दिखेगा टेंजिबल तो लग सकता था लेकिन ये मैट कैसे दिखेगा दोस्तों गड़बड़ है क्योंकि लाइट में वो मैट नहीं दिखेगा वो चमकदार होना चाहिए कुछ वो कैसा होना चाहिए दोस्तों चमकदार होना चाहिए ठीक है ओके अगला है दोस्तों आपके सामने एक है दोस्तों टेक्टाइल एक है पेल्पेबल पेल्पेबल का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कोई चीज जो इजीली समझ में आ जाए बट वो टच नहीं करने योग्य वाली होती है मैं टेक्टिकल का बताता हूं मतलब टेक्टिकल का मतलब कोई चीज टच करके टच करके फील की जाए फील करके समझी जाए बचपन से जब कपड़े लेने जाते थे तो पापा मम्मी से टच करके देखते थे ऐसे टच वो यहां कर रहे हैं कपड़े को देखते थे ऊपर कपड़ा थोड़ा मजेदार नहीं है दूसरा दिखाओ दूसरा ले, भाई ये ले लो पता नहीं देखते थे सोचते थे वो महसूस करते थे तो जब आप कपड़ा देखकर कोई चीज छूकर महसूस करते हो वो आप टेक्टिकल आप टैक्टिकल टेक्सचर देख कि इसका टेक्सचर हाँ ये ठीक है यहां से कपड़ा भाई साहब थोड़ा अच्छा नहीं है दूसरा दिखाओ यार महंगा लग रहा है <laughs> तो वो होता है दोस्तों टेक्टिकल टेक्सचर ये टेक्सचर है तो ये छूकर महसूस किया जाए तो फैब्रिक का टेक्टिकल टेक्सचर होगा ये कपड़े के लिए यूज होता है जब महसूस किया जाए बाकी चीज सिर्फ छूने के लिए होती है पेन छू लिया ये छू लिया छूकर महसूस किया जाए उसकी क्वालिटी को ये कपड़ों के लिए यूज होता है जो कॉन्ट्रास्टेड है बाई थी लस्ट्रस अपियरेंस लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार शाइनिंग यही होता ग्लॉसी चमकदार शाइनिंग एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ये इसका करेक्ट आंसर हो गया समझ गए अब से कपड़े खरीदने जाना तो ऐसे करके छूना छूकर कहना ये इसका टेक्टिकल टेक्सचर भैया मजेदार नहीं है अगर आप किसी महंगी दुकान पे जाना छोटी दुकान में मत कहना भगा देगा तुम्हें वहां से ढाई सौ की शर्ट लेकिन हाँ पैसे खर्च कर रहे हो अगर ज्यादा तो जाके तुम जरूर स्टाइल मार सकते हो मार देना स्टाइल जाके और आपको भी भी वो क्या याद हो जाएगी ठीक है चलो बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं समझ में आ गया ना भूल तो नहीं जाओगे चिंता नहीं करो भूलने नहीं दूंगा मैं हूं ना बिल्कुल नहीं भूलने देता और यार छह बज गया चलो एक क्वेश्चन एक काम करो पुनी सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी वरना वो डांट लगा देंगे क्या क्लास खत्म नहीं करी विशाल तरह आपने एक घंटा कैसे निकल गया यार पता ही नहीं चला बताओ कितने लोग ऐसे जो लगातार बने रहे एक घंटा और आप कहोगे सर पता ही नहीं चला एक घंटा कैसे निकल गया है ना एक घंटा निकल गया पता नहीं चलता दोस्तों एक काम करो इसका, दोखो, में लो, इसका आप जवाब दोगे बढ़ाऊंगा लेकिन इसका देना, तो कल में कमेंट भी कितने बच्चों ने, ने जवाब दिया ये जरूर करेंगे ठीक है अब मेरे को जल्दी से लाइक बटन में प्रेस कर दो तो, एक हजार थम्सअप चाहिए मेरे को वीडियो खत्म होते जितनी जल्दी एक हजार थम्सअप होंगे और जिसका थम्सअप एक हजार वहां मेरे को कमेंट करके बताना सर मैंने एक हजार है अगर मुझे अच्छा लगा है मेहनत मेरी अच्छी लग रही है थम सब देना पहला दिन का है अपना बढ़िया सीख रहे हैं सिर्फ सीखते जाएंगे टेंशन नहीं लेने ठीक है कोई टेंशन नहीं लेना इसका जवाब दोगे होमवर्क में ये आपका क्वेश्चन मैं देखो साइड हो गया आप देखना जवाब ठीक है चलो खत्म करेंगे दोस्तों थम्स अप दे देना सारे के सारे बच्चे इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना टेंशन नहीं लेना कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से और सुबह मिलेंगे दोस्तों सात बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में द हिंदू एडिटोरियल बहुत जरूरी है पढ़ना तो मेरे साथ पढ़िए डेली और सीखते जाइए विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों अगली क्लास पुनीत सर की है जाइए सारे के सारे बच्चे और रीजनिंग पढ़िए शानदार तरीके से पुनीत सर के साथ में ऑल दी बेस्ट दोस्तों जय हिंद जय भारत